तो एक्स की वैल्यू 0 से और पाई बाई 4 है, क्योंकि थीटा आपका एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 यहां भी ऐड कर दो, पाई बाई 4 यहां भी ऐड कर दो और पाई बाई 4 यहां भी ऐड कर दो। ये हम हो गए पाई बाई 4 से और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के बीच में आ गई। आप कहां पहुंचे बेटा, पाई बाई 4 से लेकर और पाई बाई 2 तक, और यहां पर कोस एक्स प्लस पाई बाई 4 पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है यहां के बीच में, बताइए। हाँ, तो कोस पॉजिटिव होता है और आपके यहाँ रोल ही कोस का है, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर जिसमें ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसलिए नहीं छेड़ाना नहीं। तो देयर फोर एफ डैश एक्स इक्वल टू रूट टू और 1 प्लस साइन एक्स। बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर है, तो 1 प्लस स्क्वेयर पॉजिटिव, बस केवल आपका रोल है कोस एक्स प्लस पाई बाई 4 का, ये पॉजिटिव है। तो देयर फोर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, कितनी इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से π/4। बोलिए भाई। हाँ परवेश, पूछ भाई, तेरी भी कई देर से उछल कूद हो रही है। ठीक, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कहां से एलिमेंट है मेरे पास में? अब एक्सरसाइज एलिमेंट खोल लू ना। लीनियर एक्सरसाइज, और ये केवल मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट लूंगा और केवल एलिमेंट से लूंगा और बोलो ना। सॉरी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय फार्मूला, ये बहुत आसान है यार। डीसी बाई डीएक्स निकालना है, अरे मिनिमम कोस्ट, इस कोस्ट को इतना मिनिमम करना है, डीसी बाई डीएक्स इक्वल टू 0 करके डेरिवेटिव करके। हाँ अगर आप ऐसा है, अगर आंसर गलत आ रहा है ना, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई, इसमें कोई नया काम तो है ही नहीं। बोलिए कितना है, 5 प्लस 48 बाई x, 5 प्लस 48 बाई x। आगे क्या देखिए, +3x2। अच्छा, ये 1 मिनट का काम है यार, 1 ही मिनट लगेगी मुझे इस क्वेश्चन में। dc/dx 5 का 0 -48/x2 भाई, संडे है, कल आपको अपनी डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले रिवाइज करने हैं, और मैं तो कहूंगा एक दो बार सभी अपने पेजों पर लिख कर रखें, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया है। और ये आपका आ गया 6x। चलिए डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 96/x³ और +6 पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव की कोई संभावना इसमें नहीं है। अब देखिए dc/dx को आपने 0 लेना है, और dc/dx को 0 लोगे तो -48/x² +6x=0, -48 = -6x³ और 6 x 48 x³ = 8। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है परवेश, मैं हैरान हूँ। डबल डेरिवेटिव x=2 आ गया, डबल डेरिवेटिव आपका इसमें पॉजिटिव है, तो सी इज मिनिमम कब, जब x=2 आपका सी, दो आइटम प्रोड्यूस किए जाए और मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाएगी। कई बार हेडलेस है। और पूछो भाई, बाकी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अर्चिता।
निकिता, एक तो इंटीग्रेशन के अंदर डेली जितने क्वेश्चन कराए जाएं वो करने हैं, और नहीं आए ना जहां से भी वहीं से मेरे को टोक देना, नो जी नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा। हम तेज नहीं चलेंगे, हमारे पास बहुत समय पड़ा हुआ है। ये डिफरेंशिएशन आती है सभी को, ये